इस बोगनवेलिया में भी गड़बड़ हुआ है दोस्तों। बारिश की वजह से ज़्यादा पानी गिरा, बट देखिए ये होती है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। नए आने वाले पत्ते में इस तरह से आप ग्रीन कलर क्लियरली नहीं देख पाते, तब इस तरह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कही जाती है। ये बार बार डेफिशिएंसी में चला जाता है, पता ही नहीं क्यों। थोड़ा सनलाइट कम मिलता होगा मेरे ख्याल से। तो मैंने स्लो राइस पैलेट्स भी दे रखी है, ये देखिए, पर तो इसका भी ज़्यादा रिजल्ट इसमें नहीं दिख रहा। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पानी ले लिया और ये फर्टिलाइज़र काउडग मैनर को मैंने मिला के रखा था, उसको हमें डाइल्यूट करना है, यानी दूसरे पानी में भिगो देना है। अब क्या करना है, इस पानी को इस प्लांट को दे देना है, बस यही करना है। ऐसे ही दे रहा हूँ मैं, अगर बच जाता है तो किसी दूसरे प्लांट को भी दे दे, पर अभी क्या कर सकते हैं कि जो प्लांट फ्लावरिंग वगैरह करता है उसी को फ्लावरिंग को इनक्रीज करने के लिए हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। जो प्लांट डोरमसी में जाते हैं ऐसे प्लांट को हम इस तरह फर्टिलाइज नहीं कर सकते दोस्तों। तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। और मैं तो ट्रिमिंग करने वाला हूँ क्योंकि हमें तो फ्लावरिंग चाहिए दोस्तों, तो फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ नई ब्रांचें आ गई है, तो इसी ब्रांचों को मैं निकाल देने वाला हूँ जो ग्रोथ हो गया है वो, और फिर जो ग्रोथ होना चाहिए वो फ्लावरिंग के रूप में होना चाहिए दोस्तों। पानी की डेफिशिएंसी बनानी पड़ेगी क्योंकि उसने ज़्यादा पानी पी लिया, तो ये ग्रोथ भी ज़्यादा हो गया दोस्तों। तो इस बार देर तक बारिश भी होती रही, अभी भी बारिश हुई, तो ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और इतना ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं था ये प्लांट शायद, तो उसको मैं पूरी तरह से अब सनलाइट में रखूँगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से भी हमारे प्लांट को अफेक्ट होता है, डिफोलेशन नहीं करते, उसको रहने देते हैं और फुल सनलाइट में रखेंगे हम, तब कहीं जाके इसमें फ्लावरिंग होगी। और वैसे भी प्लांट मार्च तक, तो जब तक सर्दियां रहती है तब तक तो फ्लावरिंग होते ही रहता है। तो दोस्तों सालों से मैं इस आर्ट से जुड़ा हूँ, मैंने सीखा नहीं है, एक तरह से कह सकता हूँ कि मैंने इस आर्ट को जिया है दोस्तों। मैंने मेरी ज़िंदगी में इस आर्ट को शामिल किया है, हर एक वक्त हर पल इसके बारे में सोचा भी है, तब कहीं जाके इस तरह के प्लांट डिजाइन हो पाते हैं। अब कुछ ही दिनों में ये पूरे फ्लावरिंग से बढ़ जाएगा, जो पत्ते थे वो मैंने हटा दिए हैं दोस्तों। देखते हैं कैसा लुक होगा, क्योंकि आने वाले बड्स फ्लावरिंग हो गए, आप देख सकते हैं सब जगह अब रेडी होने वाले हैं। फाइनली फ्लावरिंग तो हो चुकी है, बट कुछ पीछे रह गए कुछ ब्रांच, तो नेक्स्ट ब्लूम में आई थिंक ये सब कवर हो जाना चाहिए। जैसे भी है, प्लांट पुराना है, मुझे पसंद है, उसकी ट्रंक लाइन थोड़ी अलग जरूर है बट मैच्योर है दोस्तों। यहाँ आप मैच्योर ट्रंक लाइन देख सकते हैं, जो एक पेड़ की तरह दिखता है, वही तो हमें बनाना है। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो दोस्तों, और कोशिश करते रहे, सफलता अपने को मिलती ही मिलती है, मेहनत करना है हमें केवल। बने रहे, सेफ रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।